हमारा लेसन का नाम क्या है, डिफरेंट हाउसेस, मीन्स अलग अलग तरह के घरों के बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम वर्ड मीनिंग करते हैं, ठीक है, जो हमारे लेसन में आए हैं, ठीक है। अब हम वर्ड मीनिंग करते हैं, देखिए इधर आप लुक एट द बोर्ड, डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग, हाउसेस मीन्स घर, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा, थीव्स मीन्स चोरों, वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवरों, ब्रिक्स मीन्स ईंट, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, टाउन्स मीन्स कस्बों, सिटीज मीन्स शहरों, हट्स मीन्स झोपड़ियां, स्काई स्क्रैपर्स मीन्स गगनचुंबी इमारत, अपार्टमेंट मीन्स फ्लैट, टॉयज मीन्स खिलौने, क्लीन मीन्स साफ, गार्बेज मीन्स कचरा, एयर मीन्स हवा, सनलाइट मीन्स सूर्य की रोशनी, और मॉस्किटो मीन्स मच्छर, ठीक है। ये कुछ वर्ड ऐसे टफ होते हैं जो हमारे लेसन में आते हैं, अगर हमें उसका मीनिंग पता होता है तो लेसन जब हम रीडिंग करते हैं तब क्या होता है, अच्छी तरह से हम रीडिंग कर पाते हैं, ठीक है। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा, फिंगर रखिएगा जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ, फिर उसका जो मीनिंग बताती हूँ उसका एक्सप्लेन करती हूँ, तो ध्यान से सुनिए, समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। लेसन नंबर 8, डिफरेंट हाउसेस मीन्स अलग घर। Some of them, आपने देखा है कुछ खास प्रकार के
के घर होते हैं ना। आई एम एलिसन, व्हेन वी गो फिशिंग वी लिव इन हाउसेस मेड ऑफ आइस कॉल्ड इग्लूज। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बर्फ के घर होते हैं। वो लड़की बता रही थी मैं एलिसन हूँ और मेरा घर कैसा है, बर्फ का बना हुआ है। ओके नेक्स्ट देखिए, अब आप वो बोल रहे हैं आई एम अब्दुल, दिस इज माय होम, इट इज कॉल्ड अ हाउस बोट। हाउस बोट मीन्स क्या होता है, तैरने वाला घर, मतलब पानी में ऐसे नाव टाइप का बना होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, हाउस बोट। ठीक है, नेक्स्ट आता है माय नेम इज बियॉन, माय हाउस इज बिल्ट ऑन स्टील, स्टील्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हैवी रेन्स। अब ये क्या बता रहे हैं, जो स्टील्स मीन्स इस तरह से एक एंगल पे, इस तरह से देखिए आप ये जो बंबू लगे हुए एंगल लगे इस पर बना होता है, जब हैवी रेन मतलब तेज बारिश होती है उसमें ये है गिरते पड़ते नहीं है, इसलिए ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसा बता रहे हैं। आई एम रॉय, दिस इज माय नेम, इट इज कॉल्ड अ कारवा, इट हैज व्हील्स एंड कैन बी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी क्या बता रहे हैं कि मेरा नाम राय है और ये कारवा है, ये एक तरह का घर है, चलता फिरता पहियों वाला घर है जो एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा सकता है। सम स्पेशल हाउसेस सच एज कारवा एंड हाउस बोट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जो ये जो हाउस होते हैं कारवा और हाउस बोट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे हाउसेस के बारे में। हम हाउसेस में है ना क्या होता है, लुकिंग आफ्टर आवर हाउस, हम अपने घर में किस तरह से रहते हैं और किस तरह से रहना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ होम्स आवर होम्स, हमें अपने घर की किस तरह से केयर करना चाहिए हमारे घर में ये हम आपको बताते हैं। वी शुड नेवर लीव आवर टॉयज और बुक्स ऑन द फ्लोर, हमें अपने खिलौने टॉयज मीन्स खिलौने जमीन पर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए है ना। वी शुड क्लीन द हाउस रेगुलरली, हमें अपने घर को हमेशा रोज साफ रखना चाहिए। वी शुड कीप इन किचन एंड वॉशरूम क्लीन एंड टाइडी टू अवॉइड रैट्स एंड कॉकरोच, हमें अपना वॉशरूम भी कैसे रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और कॉकरोच और मच्छर और किसी भी तरह से कोई इंसेक्ट नहीं आना चाहिए। वी शुड थ्रो ऑल द गार्बेज इन द डस्टबिन, हमें गार्बेज मीन्स कचरा और डस्टबिन मतलब कचरे का डब्बा, हमें कचरा हमेशा कचरे के डब्बे में डालना चाहिए। वी शुड ओपन द डोर्स एंड विंडो ऑफ द हाउसेस फॉर्म्स फॉर सम टाइम एवरी डे, पता है आपको अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खुले रखना चाहिए, दिस अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू एंटर द हाउस, उससे सूर्य की रोशनी और अच्छी शुद्ध हवा हमारे घर में आती है। वी शुड हैव वायर नेटिंग ऑन डोर एंड विंडो सो दैट मॉस्किटो कैन नॉट एंटर द हाउस, हमें क्या करना चाहिए हमारे हाउस में जहाँ खिड़की दरवाजे होते हैं वहां पर क्या करना चाहिए, मच्छर जाल जो तार वाले दरवाजे होते हैं जिसे हम मच्छर जाले कहते हैं, वो इस तरह के गेट लगाना चाहिए जिससे मच्छर अंदर नहीं आए। तो ये हमारे घर को साफ और किस तरह से उसकी केयर करने का था और किस टाइप से घर होते हैं कितने तरह के ये आपको बताया इस लेसन में। ठीक है, मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन किया, आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि हमने आज डिफरेंट टाइप्स के घर के बारे में बात करी थी, तो हमने